कल परिवादी है पोकराम, उसने थाने पे एक तरीके की एक भागते हुए आया कि मेरे पास टेलीफोन आया है कि मेरे बेटे का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है और उसकी टेलीफोन उसका ऑन है और उसके ऊपर उससे हमारे से फिरौती मांग रहे हैं कि 11 लाख रुपए आप लेकर आ जाइए और अपने बेटे को छुड़ा लीजिए। जिसके ऊपर तत्काल हम लोगों ने उस पर टेक्निकल सर्विलेंस किया और उसके ऊपर उनके पिता को साथ लिया और उसमें पूरी फील्डिंग लगा कर उसमें हमने एक मकान के ऊपर दबिश दी, काफ़ी घेराबंदी करके उसमें मकान में दबिश दी। उसमें 8 लोग, उसमें जो परिवादी था उसके पुत्र को बंधक बनाए हुए वहाँ पे बैठे थे और कुछ लोग थे जिनको राउंड अप करके थाने लेकर आए हैं और उनके परिवादी के पिता जो पीड़ित है उनके फादर की रिपोर्ट के ऊपर अपहरण का और पैसे मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी, इसमें 8 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इसमें 5 वाहन गिरफ्तार हुए हैं जिसमें स्कॉर्पियो है, गाड़ी क्रेटा गाड़ी है, फॉर्चुनर गाड़ी है, ये गाड़ियाँ हैं इनके गिरफ्तार हुए हैं। इस जी ये आपस में अब जब इसको डिटेल से इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये इस तरीके के हैं जिसमें पीड़ित जो है वो इस तरीके से बाइनेंस कंपनी के माध्यम से, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, USD डॉलर्स के माध्यम से इस तरीके के कार्य करते हैं और सामने वाले व्यक्ति भी इसी तरीके का कार्य करते हैं। फ्रॉड का, साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इसको पैसे दिए और उसके वापस पैसों की रिकवरी और इस तरीके का कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। तो ये जो साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए हैं उसमें उसका अपहरण करके लेकर गए और उससे वापस उससे पैसों की मांग कर रहे थे, जिसका खुलासा करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया।